ऐसा क्या हुआ कि स्विगी जैसी कंपनी को अपनी वैल्यूएशन को डिस्काउंट पर कोट करना पड़ा? स्विगी, जो कि पॉपुलर है अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए, हैव रिसेंटली ऑफर्ड 20% डिस्काउंट टू HNIs. ये एक काफी अच्छा प्री IPO मूव है टू क्रिएट अ हाइप इन मार्केट. बैरन कैपिटल ने स्विगी की वैल्यूएशन करी थी 12.1 बिलियन पर. स्विगी के वेल्थ मैनेजर ने ये डील 9.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर पिच करी है, which was a 20% discount of 12.1 billion valuation. लेकिन डाउट ये आता है कि अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो उसे डिस्काउंट की देने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छी कंपनी के पास तो इन्वेस्टर्स खुद चलकर आते हैं. Does this mean the कंपनी के पास इन्वेस्टर्स नहीं है? ये तो प्री IPO राउंड में ही पता चल सकता है. अगर कंपनी में अच्छे HNIs आए या कुछ रिप्यूटेड इन्वेस्टर नजर आते हैं, then we would consider this company for investment. Secondly, this IPO could be a good opportunity for those who have missed the rally of Zomato from 46 rupees to 186 rupees. Then demand for this IPO could increase. हमारा Planify Pro subscription live हो चुका है. अपने experience को upgrade करने के लिए subscribe करें. ऐसे ही interesting news के लिए बने रहें Planify के साथ.